विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य प्रजनन संस्था के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ मुद्दों को एक बार फिर से देख लेते हैं। मनुष्य विभक्त लिंगी प्राणी है, अर्थात स्त्री और पुरुष ये दोनों अलग होते हैं, अतः ये दोनों अलग जनन कोशों का निर्माण करने वाले प्राणी हैं। पुरुष जनन कोश शुक्राणु होते हैं जो गतिशील होते हैं, और स्त्री जनन कोश अंड कोशिका होते हैं जो गतिशील नहीं होते हैं। फलन की प्रक्रिया शरीरांतर्गत स्त्री के गर्भाशय में होती है और स्त्री एक नए अपत्य को जन्म देती है। इसे विविपेरस अर्थात जीवित बच्चा जनने वाली प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। आवश्यक चीजें: मानवी स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थाओं की प्रतिकृतियां या उनके फोटो, मानवी पुरुष प्रजनन संस्था, अवयव, संरचना, कार्य, वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण में पाई जाने वाली जनन उपकला अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जिससे शुक्राणु और हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की निर्मिति होती है। नलिकाएं: वृषण जालिका युगल, अपवाहिनी युगल, अधिवृषण युगल, शुक्र नलिका युगल, स्खलन वाहिनी युगल, जनन मूत्र वाहिनी अयुगल। शुक्राणु एक नलिका से दूसरी नलिका में प्रवेश करते हुए जनन मूत्र वाहिनी तक पहुंचते हैं। इस दौरान नलिकाओं में ही शुक्राणु परिपक्व होते हैं, उन्हें पोषण मिलता है और वे फलन योग्य हो जाते हैं। सहायक ग्रंथियां: शुक्राशय युगल, प्रोस्टेट ग्रंथि अयुगल, कायुपर ग्रंथि युगल। ये सारी ग्रंथियां शुक्राणुओं के लिए पोषक स्रावों को स्रवित करती है। इसके साथ शुक्राणुओं को नलिकाओं में से घूमने के लिए और बाहर निकलने के लिए ये माध्यम के रूप में भी काम करती है। इन स्रावों को तथा शुक्राणुओं को मिलाकर वीर्य कहा जाता है। जनन मूत्र वाहिनी, मूत्र और वीर्य का बाहर छोड़ने का मार्ग। जनन मूत्र वाहिनी का एक भाग जिसे शिश्न कहा जाता है, यही संभोग के समय वीर्य को स्त्री योनि मार्ग में स्खलित करता है। यह मूत्र और वीर्य छोड़ने का समान मार्ग है। मानवी स्त्री प्रजनन संस्था, अवयव, संरचना, कार्य: अंडाशय जोड़े में, स्थान उदर गुहा के भीतर, अंडाशय में स्थित जनन उपकला में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडकोशिका या स्त्री जनन कोश का निर्माण होता है। इसके साथ ही संप्रेरकों का स्त्राव होता है। अंडनलिका जोड़े में, ये नलिका के जैसे होते हैं जिनके आंतरिक भाग में रोमक होते हैं। ये नलिका के दोनों सिरों का आकार चिमनी के समान होता है और ये गर्भाशय में खुलते हैं। अंडनलिकाएं अंड कोशिकाओं को अंडाशय से गर्भाशय में लेकर जाती है। ये नलिकाएं फलन क्षेत्र के रूप में भी काम करती है। गर्भाशय, इसे कोक भी कहते हैं, इसके द्वारे अत्यधिक पेशियों से निर्मित होती है। ये उदर गुहा के मध्य में स्थित होता है। ये फलित अंड कोशिकाओं का स्वीकार करते हैं और यही भ्रूण का उसके जन्म तक पालन पोषण भी करते हैं। योनि, ये एक नलिका के समान मार्ग होता है जो गर्भाशय से बाहर की ओर जाने का मार्ग होता है। यही मासिक धर्म और संभोग के समय एक मार्ग के रूप में काम करता है और जन्म देते समय यही सरणी के रूप में काम करता है। बर्थोलिन ग्रंथि योनि मार्ग के दोनों ओर होते हैं। आम्लीय स्राव स्रवित होता है जो योनि मार्ग का स्नेहन करता है और संसर्ग होने से बचाता है।